गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और 60 डेज है वो चैलेंज, अभी हमारा कंटिन्यू है, ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने बताया कि एक ऑयल कैसे क्रिएट करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। इस वाले पार्ट में मैं बताऊंगी कि एक हेयर स्प्रे आपको कैसे बनाना है, उसको अप्लाई कैसे करना है और वो आपके बालों पे किस तरह से काम करेगा। फर्स्ट वीक के बाद आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगा, आपको इसी को रिपीट करना है। इसलिए मेरा दूसरा चैलेंज भी शुरू हो जाएगा जो होगा रिवर्स रिंग चैलेंज। वो ज्यादा एक्साइटिंग होगा क्योंकि ये वाले जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही मुश्किल है उसका ठीक होना। तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। उसके बाद जो मैं रेमेडी लेकर आए हैं वो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो चलिए उस सीरीज की बात मैं उस वाले वीडियो में करूंगी। आज मैं बताती हूँ कि आपको कौन सा हेयर स्प्रे बनाना है और उसको अप्लाई करना है 2 दिन। आप इसको ओवरनाइट अप्लाई कर सकते हैं या फिर 2 से 3 घंटे के लिए भी। इनफैक्ट आप इसको 3 दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो एवरीडे हेयर वॉश करता है तो इस वाले हेयर स्प्रे को आपको 3 दिन लगाना है। साथ ही साथ आपको हेयर ऑयलिंग भी करनी है, जो आपको ऑयल मैंने बताया है। पहले आपको हेयर स्प्रे लगाना है, उसके 1 घंटे के बाद ऑयलिंग करना है, उसके 1 घंटे के बाद आपको शैम्पू करना है। आप चाहिए तो हेयर स्प्रे और ऑयलिंग साथ के साथ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि ऑयल जो है वो रूट्स में ना लगाएं, बालों के जो स्टैंड्स है उसमें बस अच्छे से अप्लाई करें। उसके बाद इस वाले स्प्रे का फायदा आपको 100% मिलेगा। और एक बात, इसके ज्यादातर जो एप्लीकेशन होंगे वो हेयर रूट्स में ही करने हैं या जो आपके मास्क वगैरह मिलेंगे, क्योंकि आपको हेयर का थिकनेस बढ़ाना है। तो थिकनेस तभी बढ़ेगा जब आपके हेयर की रीग्रोथ होगी, यानी टोटली ये वाला जो पूरा का पूरा चैलेंज है आपके हेयर के रीग्रोथ के लिए है। तो हर वो चीज शामिल होगा जो आपके बालों के रीग्रोथ में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं इस स्प्रे को बनाते कैसे हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है। हमें से ज्यादातर लोग बालों के किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, और बालों की ज्यादातर प्रॉब्लम तब आते हैं जब ब्लड सर्कुलेशन जो स्कैल्प का होता है उसमें कोई ट्रबल आता है, वो प्रॉपर नहीं होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जब भी हम कोई शैम्पू, मास्क या किसी तरह का सीरम या ऑयल यूज करने से पहले कि वो जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प का उसको प्रॉपर करे, उसको फास्टन करे। तो इसके लिए मैं अभी आपको एक ऐसा रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप रेगुलरली यूज कीजिए तो न सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी बल्कि आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा और आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। आज की रेमेडी उनके लिए है जिनको लंबे बाल पसंद है, और अगर आपके बाल दुबले पतले से हैं तो आपके बाल घने थिक बाउंसी दिखेंगे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे। इसमें मैंने कैफीन का यूज किया है, हाई डोज ऑफ कैफीन आपके बालों को प्रोवाइड करूंगी ताकि आपके जो स्कैल्प है उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके, जिससे कि आपके हेयर ग्रोथ प्रमोट हो, बाल शाइनी हो, सिल्की हो और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने पानी लिया है, 1 कप वाटर है, आप ठीक से देख लीजिए इसकी क्वांटिटी, जो एक बड़ा सा कप होता है उसे 1 कप पानी लिया है। चाहिए तो आधा ग्लास पानी भी आप ले सकते हैं। इसका जो कॉन्कॉक्शन बनेगा वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिले। और इसमें जो पहली चीज हम ऐड करेंगे, ये देखिए कॉफी का एक छोटा सा सैशे है, मैं पूरा का पूरा इसमें ऐड करूंगी। ग्रीन टी बैग है वो भी मैं पूरा का पूरा, इसका जो अंदर का मटीरियल है वो इसमें मैं ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून जो रेगुलर टी होता है आपके घर में, जो भी ब्लैक टी है उसको भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। और लास्ट इंग्रेडिएंट है ये रीठा पाउडर, इसको ऐड करने के बाद ये जो आपका हेयर मास्क हेयर स्प्रे है वो कन्वर्ट हो जाएगा शैम्पू में, एक बहुत ही बेहतरीन कैफीन शैम्पू में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके बालों को क्लीन भी करेगा साथ ही साथ आपके बालों को लंबा और घना भी बनाएगा। तो ये हमने ऐड कर दिया, इसको अब हम बॉइल करेंगे। पहले हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद स्लो फ्लेम पे 5 मिनट्स तक बॉइल करेंगे, इसके बाद ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको बॉइल करते हैं। तो ये देखिए हमारा चाय कॉफी और रीठे पाउडर का मिक्सचर रेडी हो रहा है, ये बॉईल हो गया। पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पे एक उबाल आने दिया, उसके बाद फ्लेम को स्लो कर दिया और 5 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और ये पूरी तरह से बॉईल हो चुका है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स का, ग्रीन टी का, चाय का, कॉफी का जो बेनिफिट है वो वाटर में आ चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत कलर देखिए इसमें आ गया है। इसमें जो रीठा का पाउडर मैंने डाला वो ऑप्शनल है, वो अगर आपको शैम्पू में इसको कन्वर्ट करना होगा तो डालिए, अदरवाइज आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको थोड़ा सा फ्रॉदी नजर आ रहा होगा, ये रीठा पाउडर की वजह से है। तो अब ये पूरी तरह से बॉयल हो चुका है, रेडी इनफैक्ट हो चुका है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं ऐड करना, बस इसको ठंडा होने देना है, स्ट्रेन करना है और ये आपका हेयर स्प्रे प्लस ये शैम्पू आपका रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको स्ट्रेन करते हैं। कॉफी का कॉन्कॉक्शन रेडी, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर इसका दिख रहा है। रीठा पाउडर आप इसमें तभी ऐड कीजिए जब आप इसको शैम्पू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर इसको रेगुलर एक हेयर स्प्रे या हेयर मास्क के रूप में रखना चाहते हैं तो आपको रीठा पाउडर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी जगह आप आंवला पाउडर ऐड कर सकते हैं।
अब जो फाइनल इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है ये विटामिन ई के 2 कैप्सूल, इसको आप कट करके इसका जो ऑयल है उसमें ऐड कीजिए, तो ये आपका अच्छे खासे 15 से 20 दिन तक ये चल जाएगा, ये सेफ भी रहेगा और इसका फ़ायदा भी बढ़ जाएगा। अगर आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलाएं तो आपके जो बालों में विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपके स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नज़र आएंगे, तो इसको कट करके इसका ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें फाइनल इंग्रेडिएंट भी हमने ऐड कर दिया, अब आपका ये जो हेयर मास्क है पूरी तरह से रेडी है। इनफैक्ट ये हेयर स्प्रे मल्टीटास्किंग है, इससे आपके हेयर फॉल कंट्रोल होंगे, आपके बालों की लेंथ बढ़ेगी, आपके स्कैल्प इन्फेक्शन दूर होंगे, डैंड्रफ कंट्रोल होगा, साथ ही साथ आपके बालों की लेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बालों की थिकनेस भी बढ़ेगी। इस वाले हेयर मास्क को आप 1 वीक लगा कर देखिए, 1 वीक में 3 दिन आपके अपने बालों की थिकनेस में जो फर्क है वो दिखाई देगा, आपके बालों की रीग्रोथ होगी। अगर पास्ट में आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हुआ है किसी रीज़न की वजह से, जो डिलीवरी के बाद होता है या फिर किसी मेडिसिन की वजह से या कोई सर्जरी हुई है उसके बाद जो हेयर फॉल होता है, तो इस वाले हेयर स्प्रे को आप लगा के देखिए, आपके सारे जो बाल गए हैं वो वापस आ जाएंगे, बालों की थिकनेस पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अप्लाई कीजिए इसको 2 बार और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये रहा आपका हेयर स्प्रे। ये पार्ट 2 में मैंने बता दिया कि आपको एक हेयर सीरम, एक हेयर स्प्रे, एक वाटर बेस्ड मास्क कैसे प्रिपेयर करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। एक बात मैं बता दूं कि समर के टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आपके बालों में जो एप्लीकेशन है हो वो ऑयलिंग से ज्यादा वाटर बेस्ड मास्क हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और बहुत ही आसान होते हैं ये वाटर बेस्ड मास्क बनाना। आप रात में किसी भी चीज को अगर ओवरनाइट पानी में डिप करके छोड़ दें, उसी पानी को अप्लाई कर लें, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चाहे वो मेथी दाना हो या फिर राइस हो, चाहे वो ग्रीन टी हो, एप्पल साइडर विनेगर हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप रात में सोक कर सकते हैं, उस पानी को अगर स्प्रे कर लीजिए अपने बालों में जड़ से सिरे तक, तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। एक बात और मैं बता दूं कि ये वाटर बेस्ड हेयर मास्क जो होते हैं किस चीज में काम आते हैं। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि आपके जो बाल हैं वो बीच बीच से टूट रहे हैं, आपके हेयर ब्रेकेज की शिकायत होती है, आपके हेयर स्ट्रैंड्स वीक होते हैं, तो बाल बीच से टूटते हैं जड़ों से उन्हें निकलकर। अब जब कोम करेंगे तो बाल जो है वो बीच बीच से टूटेंगे, ऐसे में ये वाटर बेस्ड हेयर मास्क ही आपकी हेल्प करेंगे। बस आप एक स्प्रे बॉटल में वो जो भी है पानी वो डालिए अपने बालों में, उसको जड़ से सिरे तक अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए, बालों को प्रेस कीजिए और उसके बाद लगा हुआ छोड़ दीजिए, वो पूरा आपके बालों के स्टैंड्स पे काम करेगा। होता क्या है कि जब हमारे बाल गीले होते हैं तो जो हेयर के क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद उनकी डिमांड होती है कि हमें कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करो जिससे कि हमें पावर आए, मजबूती आए, और वही टाइम होता है जो मेक इट या ब्रेक इट हो सकता है। आपके बाल या तो खराब या बहुत ही ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो उस समय जब ये क्यूटिकल्स ओपन होते हैं तो उसको प्रोवाइड कीजिए बहुत ही अच्छी चीज जो हेयर फ्रेंडली होते हैं और बालों के लिए हमेशा से ही अच्छे माने जाते हैं, तब आपके बालों में देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसी रीजन से मैं ज्यादा से ज्यादा वाटर बेस्ड हेयर मास्क आपको बताती हूँ कि वो आना सिर्फ आपके बालों की जड़ों पे काम करे बल्कि आपके हेयर के स्ट्रैंड्स पे काम करे। तो ये वाला जो स्प्रे है वो आपके बालों की थिकनेस पे काम करेगा, ना सिर्फ आपके बालों के जड़ों को मजबूत बनाएगा, लेंथ बढ़ाएगा, बल्कि आपके हेयर स्ट्रैंड्स को भी मजबूत करेगा। उसमें थोड़ी सी बॉडी आएगा, जान आएगा, जो पतले से एकदम छोटे से दुबले से चोटी बनते हैं उसमें आप फर्क पहले एप्लीकेशन में ही देखिएगा। तो अप्लाई कीजिए इस हेयर मास्क को 2 या 3 हफ्ते में और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। होप यू वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।